कोई भी मुर्गा नहीं बनना चाहता, लेकिन कई बार प्रशासनिक नीतियां लोगों को इतना लाचार बना देती हैं कि वो खुद को मुर्गा बना महसूस करता है। सवाई माधोपुर में परीक्षा फॉर्म भरने में होने वाली परेशानियों की तरफ प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए छात्रों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। सड़क पर अनोखे तरीके से चलते इन लोगों को देखिए, ये छात्र हैं जो इन दिनों परेशान हैं। अपनी परेशानियों को दूर करने की मांग को लेकर ये मुर्गा बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से प्रदर्शन के पीछे सवाई माधोपुर जिला छात्र संघर्ष समिति की दलील है कि प्रशासन ने इन्हें पूरे साल मुर्गा बनाकर रखा और अब ये चाहते हैं कि इन्हें मुर्गा न बनना पड़े, इसलिए जिला कलेक्ट्रेट पर मुर्गा बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्रों की परेशानी की वजह है कोटा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अपनी नियमित और प्राइवेट परीक्षाओं का फॉर्म ऑनलाइन भरवा रहा है, लेकिन छात्रों को बैंक से चालान भी लेना पड़ रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, साथ ही परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर इतनी लाइनें लगी हुई है, मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया है, दो ही बैंक अलाउ किए हैं, तो इससे लोगों को परेशानी आ रही है। कई लोग है ना गांव से आ रहे हैं, कई कहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पर दो दो तीन तीन बार लाइनों में लगने के बाद भी नंबर नहीं आ पा रहा है। छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पहले तो 20 से 40 रुपए देकर इंटरनेट से बैंक चालान लेना पड़ रहा है, फिर 20 से 50 रुपए देकर आवेदन पत्र निकलवाना पड़ रहा है। सिर्फ दो बैंकों में ही ये काम हो रहा है, लिहाजा भीड़ ज्यादा हो रही है। यहाँ पे बार बार लाइन में लगना और यहाँ पे आके हमें मेंटली और फिजिकली दोनों परेशानी हो रही है। यहाँ पे लाइन में लगाओ, फिर ऑनलाइन कराने जाओ, फिर वापस उसको निकलाओ, फिर वापस जमा करवाने जाओ, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे खड़े होके इसके कमेंट सुनो, यहाँ पे गर्ल्स को कोई सेफ्टी नहीं है। कोटा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को परीक्षा देने से पहले पढ़ाई छोड़कर फॉर्म भरने की कवायद करनी पड़ रही है। फॉर्म भरे बिना परीक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था इसके लिए की गई है वो वाकई दिक्कत पेश करती है। देखना है कि छात्रों के शिकायत पर अधिकारी ध्यान देते हैं या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहता है। सुशील जोशी, सहारा न्यूज ब्यूरो, सवाई माधोपुर।